अस्सलाम वालेकुम, ट्राइंग न्यू स्ट्रीट फूड एपिसोड 3 में आज हम इनवाइट किया गया है डोसा स्टॉप, जो कि लोकेटेड है बहादुराबाद शरफाबाद फूड स्ट्रीट पे। सो यहाँ पे हम इनका ट्राई करेंगे, इनका स्पेशल डोसा। हमने यहाँ पे इनका चिकन एंड चीज़ डोसा ऑर्डर किया है, साथ में इनकी पाव भाजी और वड़ा पाव ऑर्डर किया है। तो चलिए इसकी मेकिंग देखते हैं। तो भाई यहाँ पे हमारा तैयार हो रहा है, क्या तैयार हो रहा है भाई हमारा? ये हमारा तैयार हो रहा है चिकन चीज़ डोसा, देख सकते हैं आप। इसकी मेकिंग चेक कर सकते हैं आप। ये हमारा डोसा तैयार हो रहा है। ये क्या ऐड किया आपने इसमें? ये भाई ने चिकन ऐड किया इसमें। ये भाई हमारा चिकन डोसा, चिकन एंड चीज डोसा तैयार हो रहा है। खुशबू तो इसकी बड़ी लजीज आ रही है, हम इसको टेस्ट करके भी बताएंगे कि वाकई टेस्ट में भी लजीज है या नहीं। तो ये यहाँ पे चीज ऐड हो रही है हमारी। आधा हमारा डोसा तैयार हो चुका है। डोसा ब्राउन हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो भाई। देखने में तो बड़ा मस्त लग रहा है, ये देखते हैं ये खाने में कितना हमें मज़ा देता है। सेकंड टाइम ट्राई करूँगा मैं, ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर चुका हूँ, सेकंड टाइम ट्राई करना है कि इनका टेस्ट कैसा है। ये इसकी पूरी मेकिंग है कि डोसा कैसे तैयार होता है। ये की बारी आई है। ओहो हो हो भाई जबरदस्त, ये हमारा डोसा तैयार हो चुका है। ये हमारा डोसा तैयार हो चुका है, ओहो हो। ये इन्होंने बेचारे की जान ले ली है, बेचारे के तीन टुकड़े कर दिए इन्होंने। डोसा रेडी हो चुका है, चिकन चीज डोसा हमारा रेडी हो चुका है। तो भाइयों हमारी सेकेंड और थर्ड डिश है वड़ा पाव और पाव भाजी। तो आपको दिखाते हैं हम, ये भाई हमारे तैयार कर रहे हैं। ये मक्खन की लेयर डाल दी है इसमें, वड़ा पाव और पाव भाजी हमारी तैयार कर रहे हैं ये भाई हमारे।
एक मक्खन के लिए अरवा डाल दिए। ओ हो 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 भाई, ये हमारी क्या थी, पाव भाजी थी, वड़ा पाव था। ये हमारी पाव भाजी मैक्सिमम रेडी हो चुकी है। ओ भाई साहब, उन्होंने डाल दिया मक्खन के लिए। ओ भाई, देखने में तो मुझे लग रहा है बड़ा आउट क्लास बना है। ओ भाई साहब, ये हमारी तैयार हो चुकी है। ये पाव भाजी है हमारी जी, ये हमारी पाव भाजी, वड़ा पाव। ये हमारी पाव भाजी तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद बारी है हमारी वड़ा पाव भाई। जैसे कि देखा आपने, हमारी दो डिश तो तैयार हो चुकी है। अब हमारे भाई आखिरी कोशिश करना स्टार्ट हो चुके हैं और अब हमारा बन रहा है ये वड़ा पाव, जो कि हमारी लास्ट डिश है। भाई देखने में तो दोनों चीज़ें इनकी बड़ी मज़े की थी। अब जब तक मैं खाऊंगा नहीं, जब तक उसके बाद आपको रिव्यूज दे नहीं सकता हूं। और देखते के साथ ही भूख लग रही है बड़ी मस्त वाली। यार आपको भूख नहीं लग रही देख के? बहुत लग रही है भाई, मेरे भाई को भी भूख लग रही है देख के। खाते रहते हो यार आपको, क्या बात है आपकी। वड़ा पाव का सामान आ चुका है, देख सकते हैं आप। ओ हो 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 हो, मसाला, मसाले की चूरन डाल दिए उन्होंने। अरे हाय हाय, इतनी मिर्ची। अब हमें इंडिया जाने की जरूरत नहीं है, हमें इंडिया की चीजें कराची में ही मिल सकती हैं। ऐसा ही है। हाय हाय हाय, कत्ल कर दिया उस्ताद तुमने, ये तो इसका तुमने बेचारे का गला घोट दिया। ये रहा हमारा वड़ा पाव। ये मेरा ही था जी। जी तो जैसे कि हमारा वड़ा पाव भी तैयार हो चुका है, अब हम उसे खाते हैं और खाने के बाद आपको टेस्ट इसका बताते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका। तो चलो चलते हैं। सही वही, इन्होंने हमें अपनी तीनों चीज़ें सर्व कर दी है, डोसा, पाव भाजी और वड़ा पाव। और इसको टेस्टिंग करने के लिए हमने यहाँ पे तीन डिशेस को टेस्ट करने के लिए तीन जजेस बुलाए हुए हैं, स्पेशल जजेस। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू। और यहाँ पे अभी ट्राई करेंगे सबसे पहले पाव भाजी शहीर भाई। हमारे साथ इस बार एक मेहमान और रेड हो चुका है, वो है हमारे हसन भाई। ये जबरदस्त है भाई, 10 में से कितने देंगे? डिजर्व करता है, सही है भाई। अब सेकंड ट्राई, लवाज मात इसके, वही मसाले, एक ही बात है। हाँ एक ही बात है। डिफरेंट टेस्ट है। तो 10 में से रेटिंग? 10 में से तो हमें इंडिया जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इंडिया जाने की जरूरत नहीं है। इंडियन डिश हमें सब पाकिस्तान और कराची में मिलती है। सही भाई, जैसे इसका टेस्ट बिल्कुल सही है। अब मेरी बारी है। अब भाई हमारे मेहमान की बारी है। ऐसा समिट में ऐसी डिश पहले खाई है? भाई ये हमारे असल में पहली बार खा रहे हैं। ये हमारी वीडियो के थर्ड एम्पायर है। Thank you.
शानदार, चलो भाई ओहो जबरदस्त, क्या कमेंट्री करी है उर्दू में। नहीं फर्स्ट टाइम ट्राई की है लेकिन बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी चीज़ें हम खिलाते रहेंगे। अब बारी आती है हमारे चिकन एंड चीज डोसा की। चलें स्टार्ट करें, पहले बाइट लेते हैं, सही चेक करते हैं कैसा समझ आता है नहीं आता। सही बनाने में तो बड़ा मजे का बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू जाएगा, इनके रिएक्शंस में रिकॉर्ड कर रही हूँ। हाँ खा ले, खा ले आराम से, खाए आप। ओके भाई, देख सकते हैं इसमें चीज़ें की लेयर, चीज़ की लेयर। वैसे भूख बहुत लगी है, पूरा भी खा सकता हूँ सही है, लेकिन मैं ज्यादती नहीं करना चाहता। जो हमारे मेहमान आए मैं चाहता हूँ उनका थोड़ा बहुत उनका भी हक हो जाए, तो उसको ट्राई करके बताते हैं आपको। एक्साइटमेंट चेक करें हम तीनों बंदों की। ये आपका भी सेकंड टाइम है तो वो बेटर था, ये बेटर है। चीज तो फुल लोडेड है, फुल लोडेड है, मजेदार है। भाई मजेदार आ जाओ। चले भाई आसान भाई, अब आपकी बारी। भाई मैं फर्स्ट टाइम डोसा ट्राई कर रहा हूँ, मेरा पहला एक्सपीरियंस है, पहले मैं देखता हूँ इसके अंदर फीलिंग क्या क्या है। मतलब प्रॉपर जज वाले तरीके से मास्टर शेफ बन रहे हैं। ये मैंने इसको पूरा खोल लिया, इसके अंदर चिकन चीज और पता नहीं क्या क्या इतने लवाजमा थे, फिर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं पहले चले भाई इसकी चीड़ फाड़ करने के बाद हसन भाई अब फाइनली यहाँ पे कोकोनट टाइप पूरा नहीं खाना हमारा भी खाते। रिव्यू टाइम, रिव्यू अटक गया। मजा आ गया। चले भाई दोनों डिशेस छोड़कर मैं यही खा लूंगा अकेला। ओह बहुत जबरदस्त है भाई, पास हो गया मतलब ये। कितने नंबर देंगे इसको? 10/10। ओके भाई, बाकी मुझे अभी इन दोनों डिशों में दो ट्राई किए, मुझे ये वाला पसंद आया, ये इसका ज्यादा पसंद आया, इसका लेवल अलग है। सही है भाई, हमारी बची है सबसे लास्ट बड़ा पाव। बड़ा पाव अब उस बेचारे ने इसका कत्ल कर दिया था, उसको निकालते हैं हम। पहला बाइट ले दिलवाते हैं शहीद, ये निकाल दें। बहुत कीमती चीज है ये, बहुत कीमती चीज है। पहले बाइट मार के बताता हूँ कैसा ये। मसाले ही मसाला भरा हुआ भाई। ये शहीद भाई का हक खाते हुए कहा था पहले वो ट्राई करेंगे, और ये चले भाई रिव्यू टाइम। मैं कैमरे के पीछे इंतजार कर रही हूँ। और मतलब ये भी डिफरेंट ही। ओके डिफरेंट ही सही। कैसे भाई मैं ट्राई करता हूं इसको, और पूरी लोडेड मसाले में बना हुआ है। ओके ये आसान भाई पहली बार ट्राई कर रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि मैं इंडिया में बैठा हूं लेकिन सच में कराची पाकिस्तान में बैठा हूं। भाई अगर आपको भी साउथ इंडियन कुजीन ट्राई करना है तो आप लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हैं डोसा स्टॉप, जो कि लोकेटेड है शरीफाबाद पे। चले भाई बैक टू रिव्यू। स्वादिष्ट, टोटल हिंदी जबरदस्त भाई, इनकी तीनों डिशें मजेदार, लश पश थी, लेकिन डोसा की बात है ना वो काफी अलग है। तीनों डिशेज एक से बढ़कर एक है। डोसे ने तो यकीन मानो कमाल कर दिया, मजा आया। चिकन एंड चीज डोसा। हाँ ये चिकन एंड चीज डोसा है। ओके सिंपल डोसा भी है लेकिन चिकन एंड चीज डोसा था, लेकिन ये बड़ा मजेदार है, आउट क्लास। तो भाई ओवरऑल आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया। सही, सबको आना चाहिए, एटलीस्ट कराची शहर वालों को तो लाजमी आना चाहिए। इन तीनों में से सबसे बेस्ट आपको कौन सी डिश लगी? चले भाई मतलब जिस नाम से इनकी शॉप है ना वो चीज इनकी जबरदस्त है, लेवल है। अब बारी आती है मेरी, अब हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ का डोसा जो है वो 100% रेकमेंडेड है।
यहाँ पे हमने प्लेटें साफ कर दी हैं। भरी भरी प्लेटें हमने खाली कर दी है। बबली भाई डोसा मज़ेदार था, इनका डोसा बहुत क्लास का था, लेवल ही अलग था, मज़ा आ गया। आप लोग डोसा स्टॉप का डोसा पास है भाई, इस बात पे सब एग्री कर रहे हैं। हम मिलेंगे आपसे, सही भाई, हम मिलेंगे आपसे किसी नए खाने के साथ नई वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।